एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ ऐसा तुम्हें तो कल हम गए थे पणजी फिश मार्केट और आते वक्त ना मैं कुछ फिश लेके आई हूँ। ओके, और उसमें से ना मैं आज एक रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। ओके, चलते हैं किचन में और आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से फिश लिया है। तो सारे जो फिश है ना मैंने निकाल के बाहर रख दिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने बांगड़ा फिश लिया है, ये मुझे मिला 300 रुपीज किलो। और ये है वेली, वेली मैंने हाफ किलो लिया है, वेली था 300 रुपीज़ किलो, तो मैंने हाफ किलो लिया है। और ये है प्रॉन्स, तो प्रॉन्स मुझे ये मिला 300 रुपीज़ किलो। और ये है लेपो, लेपो मुझे मिला 250 रुपीज़ किलो, तो मैंने हाफ लिया है, हाफ किलो। और यहाँ पे देखिए तीसरी, तीसरी ना थोड़े बड़े भी है इसमें और छोटे भी है, पर फ्रेश अच्छे हैं, देखिए। तो ये सारे फिश मैं लेके आई हूँ पणजी मार्केट से। तो आज मैं बनाऊंगी लेपो कुरकुरित फ्राई, तो लेपो फ्राई करूंगी। उसके लिए मैं ना बड़े साइज की लेपो लेके आई हूँ। आज ना लेपो फ्राई करूंगी मैं कुरकुरित, और तीसरे करी और सुक्का दोनों मैंने रेसिपी शेयर किया है। ओके, तो लेपो का ना मैंने कुछ भी रेसिपी अब तक शेयर नहीं की है, तो आज मैं फ्राई करूंगी। ओके, तो ये देखिए काफ़ी बड़े साइज के हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि लेपो किस तरह से क्लीन किया जाता है। ओके, और कुरकुरिस फ्राई कर यार, लेपो फ्राई। ओके, चलिए चलते। ओके, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फिश लिया है, तो ऊपर के जो स्किन होते हैं ना, ये हमें दोनों साइड जो स्किन होते हैं वो हमें निकालना है। ओके, इस तरह से। तो पीछे साइड भी हमें स्किन निकालना है। तो हमें ना इस तरह से दोनों साइड जो स्किन है ना निकाल देना है। अब ये ना हेड को भी निकाल देते हैं, इस तरह से हेड को भी निकाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये जो साइड होते हैं ना इसको भी निकालना है। ओके, इस तरह से इसको इस तरह से ये करें और चाकू से निकाल दें, ये आसानी से निकल आता है। इस तरह से हमें लेपो को क्लीन करना है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने फिश को ना अच्छे से क्लीन किया है, क्लीन करके ना उसको अच्छे से वॉश करके मैंने यहाँ पे अभी नमक लगा के रख दिया है। ओके, अब इसे नमक लगा के रख देते हैं साइड में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि फिश पर लगाने का जो मसाला है ना मैं घर पर ही बनाती हूँ, और जो मसाला है ना ख़त्म हुआ है, तो चलो सोचा कि चलो आज मैं बनाती हूँ मसाला। ओके, वो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और घर में ना उसी मसाले से ही फिश फ्राई करती हूँ, मुझे और किसी भी मसाले से ना फिश फ्राई रखती नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो निकाल के रख दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ मसाला बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए बिड़गी मिर्ची ली है, थोड़ी बिड़गी मिर्ची है, थोड़ी ये वाले भी चिलीज़ है। आपके घर में जो चिलीज़ अवेलेबल है हो ना, उस चिली से आप मसाला बना सकते हैं। इसको ना पानी में भिगो के रखना है हमें, क्योंकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए सॉफ्ट हो चुका है। ओके, और यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच धनिया, यहाँ पर धनिया को ना हल्का सा रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पे लिए थोड़ी सी भुना हुआ मेथी, और आधी छोटी चम्मच भुना हुआ राई यानी मस्टर्ड सीड्स, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और लहसुन ली है। इसमें ना हमें लहसुन ना थोड़ा ज़्यादा डालना है, तभी ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। नमक लिया है स्वादानुसार, और यहाँ पे देखिए इमली लिया है। ओके, अब इन सारी चीज़ों को ना मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए मसाला रेडी है, इस तरह से हमें फाइन पीसना है, और पीस के ना आप डब्बे में भर के रख सकते हैं। जब चाहे आप फिश फ्राई, आलू फ्राई, कुछ भी फ्राई कर सकते हैं इससे। इस मसाले से ना चिकन फ्राई ना बहुत ही टेस्टी बनता है। मुझे कमेंट कर रहे थे कि जो मसाला आप फिश पर लगाते हो ना वो कैसे बनाते हैं, तो सोचा चलो आज वो रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इससे ना फिश फ्राई, आलू फ्राई बहुत ही टेस्टी लगती है, एक अलग सा टेस्ट आता है।
तो आप इसे ना ज़रूर देखिए बनाकर, अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसको नमक लगा के रख दिया है, एक 10-15 मिनट में ऐसे ही छोड़ दूंगी फिश को। उसके बाद मैं मसाला लगा के ना एक आधे घंटे के लिए साइड में रख दूंगी। तो मैंने ना नमक लगा के इसको रख दिया था 20 मिनट के लिए, मैंने इसे ऐसे रख दिया था। ओके, अब ना इसके ऊपर हम मसाले लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ मसाला, तो पहले मैं इतना ही लेती हूँ। ओके ओके, अब इसके ऊपर मसाला लगाते हैं। इस तरह से अच्छे से मसाला लगाइए। ओके, इसको मैंने अच्छे से लगा दिया है मसाला, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ओके, तो तब तक है ना मैं बाकी सारे फिश को ना मसाला लगा लेती हूँ। तो ये देखिए फिश के ऊपर मैंने मसाला लगा दिया, अंडे के बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए पैन रखा है और पैन जो है ना अच्छे से गर्म हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना मैंने रवा लिया है और थोड़ी ना यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है। ओके, चावल का आटा डालने से ना जो फ्राई है ना बहुत ही क्रिस्पी बनती है। ओके, और जैसे इसे मिक्स करते हैं और अब पैन में डालते हैं ऑयल। थोड़ा ज़्यादा डालूंगी मैं तेल, क्योंकि तेल थोड़ा ज़्यादा डाला है कि हमें ना ये जब हम फ्राई करेंगे ना ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, हमें कुरकुरी फ्राई करना है इसे। ओके, तो थोड़ा तेल ना हमें ज़्यादा ही लेना है। ओके, फिश लेते हैं और इसमें इसे अच्छे से कोट करते हैं। ओके, इसे अच्छे से इस तरह से कोट करें। ओके, अब अब फिश को ना बढ़िया से क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो फ्लेम को ना यहाँ पे मीडियम रखिए और अच्छे से दोनों साइड अच्छे से ना इसे क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। ओके, तो अब इसे टर्न करते हैं। ओके, अब दूसरे साइड को भी ना एक बढ़िया सा ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, कुरकुरित एंड सुरसुरित नहीं आवाज। यस ओके, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुरकुरित एंड सुरसुरित लेपो फ्राई यहाँ पे रेडी है। ये देखिए बढ़िया है, बढ़िया बना है। ओके, जो मैंने मसाला बताया था ना वो मसाला आप जरूर ट्राई करें, उससे ना फ्राई जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। और उस मसाले से ना चिकन फ्राई तो पूछो मत, बहुत ही टेस्टी बनती है। ओके, तो आज की ये फ्राई और मसाला कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, तो आज इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आज का ये जो रेसिपी आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।